हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो क्लास हाई क्लास टू। सो एज इन अवर प्रीवियस वीडियो क्लास वी सीन अवर एलवाई वर्ड्स। यस, हमने एलवाई वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। यस, उसके बाद में हमने वर्ब्स भी देखे हैं। यस, तो अब चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ग्रामर का। और हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है ग्रामर का? यस, हमारा नेक्स्ट पार्ट है ग्रामर का प्रोनाउंस। कौन सा पार्ट है? प्रोनाउंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या करने वाले, प्रोनाउंस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है? प्रोनाउन का मतलब वो होता है, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे नेमिंग वर्ड्स के साथ आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आई मतलब कौन? आप, है ना? तो आपके लिए कोई वर्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और पर्सन के लिए कोई वर्ड होगा, कोई लड़की होगी, गर्ल होगी, उसके लिए कोई वर्ड होगा, या फिर कोई लड़का होगा उसके लिए कोई वर्ड होगा। यस, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए कोई वर्ड होगा, या फिर प्लूरल नाउन्स के लिए कुछ प्लूरल चीज़ें हैं उनके लिए कुछ वर्ड होगा, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो जैसे कि हमें पता है, वी यूज़ वर्ड्स लाइक आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स की जगह पे हम ये सारे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें पता है। सो आई एंड वी आर यूज्ड फॉर स्पीकर। यस, आई किस लिए यूज़ होता है? आई मतलब आप खुद। तो जब आप बात करते हो तो आपके लिए क्या यूज़ करते हो आप? आई यूज़ करते हो। या फिर वी कब यूज़ करते हैं? वी मतलब आप खुद होंगे और आपके साथ कोई और पर्सन होंगे, मे बी टू या मोर देन दैट होंगे, तो उस टाइम पे आपको मिलाकर अगर कोई पर्सन वहाँ पे और है तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे? वी। वी को हम हिंदी में कहते हैं हम। यस, सो हम लोग, तो हम लोग मतलब वी पीपल। यस, सो वी क्या है? वी जो स्पीकर होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं वी और आई यूज़ करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ हम यू कब यूज़ करते हैं? यू हम यूज़ करते हैं लिसनर के लिए, मतलब आए तो हम यूज़ करते हैं हम खुद के लिए या फिर कोई जो स्पीकर होगा जो बात कर रहा है उसके लिए, और उसके बाद में हम यू कब यूज़ करते हैं? जहाँ पे सामने वाला पर्सन आपकी बात सुन रहा होगा, लिसनर जो होगा उसके लिए हम क्या करते हैं? यू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर वेरी क्लेवर। यस, सो यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत होशियार हो। सो तुम, ये क्या है? आप क्या कर रहे हो? किसी और पर्सन से बात कर रहे हो। सो वो कौन होगा? लिसनर होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यू यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद में हम ही, शी, इट और दे कब यूज़ करते हैं? ये कोई नाउन्स जो होंगे उनके प्लेस पर हम क्या करते हैं? ही, शी, इट और दे यूज़ करते हैं। तो ही किसके लिए यूज़ करते हैं? ही हम बॉयज़ या फिर इन शॉर्ट कहें तो मास्क्यूलिन जेंडर या फिर मेल जेंडर के लिए हम ही यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद में हम शी कब यूज़ करते हैं? शी प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी गर्ल, वूमेन या फिर इन शॉर्ट अगर कहें तो फेमिनिन जेंडर के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? शी ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ओके, देन उसके बाद में इट कब यूज़ करते हैं? इट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई थिंग नॉन लिविंग थिंग है। ओके, नॉन लिविंग थिंग है या फिर एनिमल है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम इट ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ओके, और दे कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ों को हमें दिखाना होता है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स को हमें जब डिस्क्राइब करना होता है और जो कि प्लूरल होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ करते हैं। या फिर कोई लिविंग थिंग है लेकिन वो प्लूरल है तब भी हम क्या करते हैं? दे यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम नाउन्स की जगह पे, अदर नाउन्स की जगह पे ही, शी, इट एंड दे का यूज़ करते हैं। ओके, सो वी ऑल्सो नो दैट, हमें ये भी पता है कि इन द सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, जैसे कि अभी यहाँ पे सेंटेंस में क्या है? द डोर ऑफ द
action. The door of the action is the noun part of the sentence. Yes, जहाँ से action की starting होने का हमें सूचित किया जाता है वो होता है noun part हमारे sentence का. और जो कुछ भी actions happen हो रहे होते हैं हमारे sentence में उसे हम कहते हैं verb part. Yes, तो ये तो हमें पता है. Noun किसे कहेंगे? वहाँ पे जो कोई एक्शन कर रहा होगा वो होगा नाउन. और जो एग्जैक्टली एक्शन हैपन हो रही है वो क्या होगा? वर्ब पार्ट होगा. यस, सो प्रोनाउंस कौन से हैं हमने देखा? आई, उसके बाद में यू, उसके बाद देखा हमने ही, देन शी, उसके बाद इट, उसके बाद वी, और हमने देखा दे. तो इतने सारे क्या हैं? ये सारे प्रोनाउंस हैं. ओके, जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कुछ ऐसे एक्शंस होंगे और वो किससे रिलेटेड होंगे? नाउन पार्ट से रिलेटेड होंगे सेंटेंस में. ओके, तो वहाँ पे हम आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे, ये प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट अस अंडरस्टैंड विच प्रोनाउन वी शुड यूज इन द वर्ब पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, तो कौन से प्रोनाउन हम वर्ब पार्ट के थ्रू यूज करते हैं सेंटेंस में वो हम देखेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक गिफ्ट्स, मुझे गिफ्ट्स पसंद है. सो मम गॉट टू गिफ्ट्स फॉर आई. सो यहाँ पे आई, ये ठीक है क्या? नो, दिस इज नॉट राइट. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए मी, मेरे लिए. मैं और मेरे लिए दोनों में बहुत फर्क है. सो आई मतलब मैं, यस, और मी मतलब मेरा, यस, या फिर मेरे लिए. सो यहाँ पे किस तरीके से सेंटेंस करेक्ट होगा? आई लाइक गिफ्ट्स, सो मम गॉट टू गिफ्ट्स फॉर मी, मेरे लिए. मम्मी ने कितने गिफ्ट्स लेके आए? दो गिफ्ट्स लेके आए. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस, अली, आई एम वेटिंग फॉर अली. तो यहाँ पे अली, अली डबल आना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि एक बार अली आया है नेम, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अली, आई एम वेटिंग फॉर. मैं किसके लिए वेट कर रहा हूँ? जो फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन कौन है? स्पीकर. स्पीकर के लिए हम आई यूज़ करते हैं. और जो लिसनर है, लिसनर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं यू. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? यू यूज़ करेंगे. तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? अली, आई एम वेटिंग फॉर यू. तो ये हो गया हमारा करेक्ट सेंटेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज़ वॉट? परम इज स्लीपिंग, सो डू नॉट डिस्टर्ब ही. ओके, तो ही के लिए हम ऑब्जेक्ट पार्ट क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हिम यूज़ करते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? हिम. फॉर एग्जाम्पल, परम इज स्लीपिंग. परम क्या है? परम मास्कुलिन जेंडर है ना? तो इसके लिए हम ही ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं. लेकिन जब वर्ब के साथ इसका कंसर्न होगा तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? हिम यूज़ करेंगे. ही के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हिम यूज़ करेंगे. परम इज स्लीपिंग, सो डू नॉट डिस्टर्ब हिम. डू नॉट डिस्टर्ब हिम, यहाँ पे हम ही का यूज़ नहीं करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट, शीना हिट द बॉल थ्रोन एट शी. सो शीना ने क्या किया है? बॉल को हिट किया है और थ्रो किया है. यस, तो यहाँ पे शी एंड में आया है हमारे सेंटेंस में. तो सेंटेंस कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है क्या? नहीं. तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा? कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना होगा? हर यूज़ करना होगा. शीना हिट द बॉल थ्रोन एट हर. ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हर. ओके, शी के लिए क्या यूज़ करते हैं? गर्ल के लिए हम हर यूज़ करते हैं. बॉयज़ के लिए या फिर मास्कुलिन जेंडर के लिए हम हिम यूज़ करते हैं. जो स्पीकर है उसके लिए हम आई प्रोनाउन यूज़ करते हैं. और जो लिसनर है उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? यू प्रोनाउन यूज़ करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ कडल्स इन माई डॉग. आई गिव कडल्स बाथ एवरी वीक. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? कडल्स इज़ My dog, I give cuddles a bath every week.
तो यहाँ पे कडल्स कडल्स दो बार नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर पहले हमने कडल्स यूज़ कर लिया है, पहले हमने हमारा नाउन यूज़ कर लिया है, तो उसके बाद में हम डबल वो चीज़ रिपीट नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें कोई प्रोनाउन यूज़ करना होता है. तो जैसे कि कडल्स नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम इट प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कडल इज़ माई डॉग. यस, I give it a bath every week. Okay. Then, sorry, Cuddles क्या है? Cuddles ये हमारे dog का नाम है. Okay. तो Cuddles dog का नाम है, तो ये एक name है. Okay. तो ये animal है, जैसे कि मैंने कहा था animal या फिर जो things होंगी non living things होंगी उसके लिए हम it pronoun use करते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे कडल्स का अगर नाम रिपीट होता है तो रिपीटेशन रुकाने के लिए हम वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे ईट फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स. ओके, जो एनिमल्स होंगी या फिर थिंग्स होंगी अगर उनका रिपीटेशन होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ईट ये प्रोनाउन यूज़ करेंगे. ओके, अगर आप खुद के बारे में बात कर रहे हो तो आप आई यूज़ करोगे, अगर आप खुद और कोई एक पर्सन और है, दो पर्सन और है तो वहाँ पे आप वी यूज़ करोगे, कोई लिसनर है सामने वाले से आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे यू यूज़ करोगे, अगर कोई बॉय है तो उसके लिए ही या फिर हिम यूज़ करोगे. ओके, कोई गर्ल है तो उसके लिए आप शी या फिर हर यूज़ करोगे. ओके, कोई नॉन लिविंग थिंग है या फिर एनिमल है तो उसके लिए आप इट यूज़ करोगे. ओके, तो इस तरीके से आपको प्रोनाउन यूज़ करना है. उसके बाद क्या है, वी हैव अ शॉर्ट ब्रेक नाउ, लेट वी ईट. ओके, तो वी यहाँ पे आया है. यस, वी डेफिनेटली हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, आप खुद और कोई एक पर्सन होगा तो वहाँ पे हम वी यूज़ करते हैं, लेकिन वी का हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट क्या होता है, अस. क्या होता है, अस. वी के लिए हम अस यूज़ करते हैं. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा फिर, वी हैव अ शॉर्ट ब्रेक नाउ. हमने वी एक बार यूज़ कर लिया ना, तो डबल हम फिर से वी यूज़ नहीं करेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे. सो वी us, we us, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, us यूज़ करेंगे. we have a short break now, let us, us. okay, ये हो गया हमारा pronoun part. okay, now अब हमारा last example हम देखते हैं कि किस तरीके से pronoun हम यूज़ करेंगे. they were his friends. okay, वो उसके friends के साथ है. he asked they to play with them. सॉरी, टू प्ले विथ हिम. तो यहाँ पे दे रिपीट आया है. सो फर्स्ट टाइम दे आया है. ओके, क्योंकि प्लूरल नाउन के लिए हम दे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम दे यूज़ किया, लेकिन बाद में हम रिपीटेशन करने के लिए वहाँ पे दे यूज़ करेंगे क्या, नहीं. वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा सेकेंड पार्ट यूज़ करेंगे, दे का होता है देम, दे देम. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, देम. दे वेर हिज फ्रेंड्स, ही आस्क्ड देम टू प्ले विथ हिम. ओके, सो दिस इज अवर प्रोनाउन पार्ट. ओके, तो जैसे हमने देख लिया है अभी कि हम आई नाउन पार्ट के लिए, आई नाउन के लिए हम वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, मी यूज़ करते हैं. यस, उसके बाद में यू के लिए हम यू ही यूज़ करते हैं, यू नाउन के, नाउन पार्ट के लिए हम वर्ब पार्ट यू ही यूज़ करते हैं. उसके बाद ही पार्ट, अगर ही नाउन है तो उसके लिए हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हिम यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे, हिम यूज़ करेंगे. अगर नाउन पार्ट शी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हर यूज़ करेंगे, हर वर्ब पार्ट यूज़ करेंगे. ओके, उसके बाद में अगर कोई एनिमल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट यूज़ करेंगे, नाउन पार्ट, इसका वर्ब पार्ट भी इट ही होगा. ओके, उसके बाद में अगर आप और आपके साथ कोई और दो या उससे ज़्यादा पर्सन है तो वहाँ पे आप वी नाउन पार्ट के लिए कौन सा वर्ब पार्ट यूज़ कर सकते हो, अस यूज़ कर सकते हैं. ओके, देन अगर वहाँ पे दे नाउन पार्ट है
ओके, तो वहाँ पे आप दे के लिए कौन सा वर्ब पार्ट यूज कर सकते हो? देम वर्ब पार्ट यूज कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स टेक इज द रिविजन ऑफ दैट. लुक एट द टेबल टू अंडरस्टैंड विच प्रोनाउन टू यूज इन द नाउन पार्ट एंड वर्ब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. तो ये सारे हमारे प्रोनाउंस ही है, ये भी हमारे प्रोनाउंस ही है, लेकिन इनके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है नाउन पार्ट और दूसरा होता है वर्ब पार्ट. तो नाउन पार्ट मतलब जब कोई एक पर्सन के बारे में आप फर्स्टली बात कर रहे होते हो, ओके, तो वो होता है नाउन पार्ट. और उसके बाद में जब आपने नाउन पार्ट के बारे में बात कर ली है, तो उसके बाद में आपको वर्ब पार्ट यूज़ करना होता है. ओके, ये सेंटेंस के एंड में होता है. ओके, सो स्पीकर जो होगा, अगर वो सिंगुलर है, अगर आप खुद हो और आप खुद अगर वहाँ पे बात कर रहे हो और आप खुद अकेले हो, तो आप कौन सा नाउन पार्ट यूज़ करोगे? आई. और कौन सा वर्ब पार्ट यूज़ करोगे? मी. ओके, नाउन पार्ट आई, वर्ब पार्ट मी. ओके, जब आप खुद हो, स्पीकर हो. ओके, उसके बाद में अगर स्पीकर प्लूरल होगा, प्लूरल मतलब कोई अगर पर्सन बात कर रहा है और वो दो या दो से ज़्यादा है, तो तब हम कौन सा नाउन पार्ट यूज़ करेंगे? हम वहाँ पे यूज़ करेंगे वी प्रोनाउन का नाउन पार्ट यूज़ करेंगे. ओके, और वी का वर्ब पार्ट क्या होगा? वी का वर्ब पार्ट होगा अस. क्या होगा? अस. ओके, देन नेक्स्ट, जब लिसनर सिंगुलर होगा, हमने स्पीकर तो देख लिया, जब स्पीकर सिंगुलर होगा तो हम नाउन पार्ट आई यूज़ करेंगे और वर्ब पार्ट मी यूज़ करेंगे. उसके बाद में अगर स्पीकर प्लूरल होगा, तो वहाँ पे हम नाउन पार्ट वी यूज़ करेंगे और वर्ब पार्ट अस यूज़ करेंगे. ओके, उसके बाद जब लिसनर मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, ओके, सेकेंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, जो लिसनर है, अगर वो सिंगुलर है, सिंगल है, तो वहाँ पे हम नाउन पार्ट यू यूज़ करेंगे और उसका वर्ब पार्ट सेम होगा यू. ओके, उसके बाद अगर जो लिसनर है वो प्लूरल है, लिसनर जिससे हम बात कर रहे हैं वो दो या दो से ज़्यादा है, तो नाउन पार्ट हम यू यूज़ करेंगे और वर्ब पार्ट भी यू ही यूज़ करेंगे. ओके, उसके बाद अगर कोई मेल है, जैसे कि मैंने कहा था हम ही यूज़ कब करते हैं नाउन पार्ट, जब कोई मेल होता है, मास्कुलिन जेंडर होता है, तो हम वहाँ पे ही यूज़ करते हैं. तो ये हो गया ही हमारा नाउन पार्ट, जो हमारा मेल जेंडर है. मेल जेंडर अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हम ही यूज़ करते हैं और ही नाउन पार्ट यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम वर्ब पार्ट कौन सा यूज़ करेंगे? हिम यूज़ करेंगे. ओके, उसके बाद अगर कोई फीमेल जेंडर सिंगुलर है, फीमेल जेंडर अगर सिंगुलर है, तो वहाँ पे हम नाउन पार्ट शी यूज़ करेंगे और वर्ब पार्ट हर यूज़ करेंगे. ओके, देन उसके बाद कोई थिंग अगर सिंगुलर है, ओके, कोई अगर थिंग सिंगुलर है, तो उसके लिए हम कौन सा नाउन पार्ट यूज़ करेंगे? इट यूज़ करेंगे. और अगर उसका वर्ब पार्ट देखेंगे तो वो भी इट ही होगा. ओके, उसके बाद कोई मेल, फीमेल या फिर थिंग प्लूरल है, मेल, फीमेल या फिर थिंग प्लूरल है, तो इनके लिए हम कौन सा नाउन पार्ट यूज़ करेंगे? दे नाउन पार्ट यूज़ करेंगे. और कौन सा वर्ब पार्ट यूज़ करेंगे दे के लिए? दे के लिए हम यूज़ करेंगे देम. दे और देम कब यूज़ करेंगे? जब कोई मेल, फीमेल या फिर थिंग प्लूरल होगी. क्या होगी? प्लूरल होगी, तो वहाँ पे हम दे नाउन पार्ट यूज़ करेंगे और देम वर्ब पार्ट यूज़ करेंगे. तो इस तरीके से ये हो गया हमारा प्रोनाउन चैप्टर. सो आई, मी, वी, अस, यू, 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 ही, हिम, शी, हर, इट, इट, दे, देम. तो ये हो गए हमारे नाउन एंड वर्ब पार्ट. तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे.